नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कशन कर रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर और फिलहाल बात चल रही है फ्लिप फ्लॉप्स की। तो लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स डिस्कस किए अबाउट दिस आरएस फ्लिप फ्लॉप और हमने समझा कि एक प्रॉब्लम है जब सेट और रीसेट दोनों पिन को हाई रखते हैं तो सिस्टम इनवैलिड हो जाता है और क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू सेम आने लगती है। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं कि उस प्रॉब्लम को हम कैसे रिजॉल्व करते हैं और उस रिजॉल्वमेंट के बाद उसको सॉल्व करने के बाद जो रिजल्टेंट फ्लिप फ्लॉप हमें मिलता है उसको बोलते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप। तो जेके फ्लिप फ्लॉप्स की सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी बात स्टार्ट करते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप की। बट गौर करिएगा, मैंने हर जगह अभी भी क्या लिखा हुआ है, आरएस फ्लिप फ्लॉप, और सारा का सारा इम्प्लीमेंटेशन आरएस जैसा ही है। तो आप समझिएगा, आरएस में भी कोई प्रॉब्लम हमको नहीं थी। अगर एक बार छोटा सा आपको रिवाइज कराऊं तो क्या, एस और आर, सेट और रीसेट पिन, जब दोनों की वैल्यू 1 थी तो यहाँ ये हमको इनवैलिड इनपुट देता था, तो उस जगह को मैंने खाली छोड़ा हुआ है और वो हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व कैसे करते हैं, तो इसी आरएस फ्लिप फ्लॉप को कन्वर्ट करेंगे जेके फ्लिप फ्लॉप में। अब ध्यान से देखिएगा, हार्डवेयर कन्वर्जन क्या करना है। तो मैं क्या करता हूं, अपने ही रिजल्ट को एज अ फीडबैक हम ले लेते हैं। तो देखिएगा, जो हमारा वैल्यू है Qn, उसको डायरेक्टली फीडबैक हमने वापस लिया किसमें, R में, और यही काम मैं नीचे करूंगा। जो हमारे पास है Qn कॉम्प्लीमेंट, उसका फीडबैक दोबारा हमने वापस लिया किसमें, S में। अच्छा, एक बात गौर करिएगा, क्योंकि हमने जो इम्प्लीमेंटेशन किया है ना, वो NOR गेट से किया। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, NOR गेट से जब इम्प्लीमेंट करेंगे ना, पहले RS फ्लिप फ्लॉप की अगर बात करूँ तो Qn के सामने हमेशा कौन रहेगा, R। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और Qn कॉम्प्लीमेंट के सामने रहेगा S। अगर यही काम हमने NOR के बजाय NAND गेट से किया होता तो Qn के सामने रखा होता S और Qn कॉम्प्लीमेंट के सामने रखा होता R। ठीक, अब हमने क्या किया है, RS को बना दिया है JK। तो हम कैसे बना रहे हैं, हमने सिर्फ डायरेक्टली ये जो AND गेट 2 इनपुट थे, अभी हमने 3 इनपुट बना दिया और डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट पीछे लिया है, डायरेक्ट Qn कॉम्प्लीमेंट और Qn। और क्या किया, देखिए, रीसेट नाउ विल बिकम्स K एंड सेट विल बिकम्स J। तो बहुत लोग इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं, सेट इज एनालॉगस टू J एंड रीसेट इज एनालॉगस टू K। तो अभी मैं इसको इम्प्रूव कर देता हूँ। तो अब रीसेट का नया नाम हम रख देते हैं K और सेट का नया नाम रख देते हैं J। और दोबारा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले था रीसेट, तो जैसे हमने बोला Qn के सामने पहले रीसेट हुआ करता था, अब JK के अंदर K होगा अगर NOR गेट से बना रहे हैं, और Qn कॉम्प्लीमेंट के सामने पहले सेट हुआ करता था, अभी वहां पे J होगा। सिमिलरली इस टेबल में अब मैं नाम चेंज किए देता हूं, तो सेट K को मैं बोल सकता हूं J और रीसेट को मैं बोल सकता हूं K। अब ये हार्डवेयर आर्किटेक्चर चेंज करने के बाद एक बार देखते हैं कि जो नया फ्लिप फ्लॉप बना, जिसको हम बोल रहे हैं जेके फ्लिप फ्लॉप, इसकी फंक्शनैलिटी कैसे काम करेगी, कैसे बिहेव करेगा। तो देखिए, जे और के पहले केस में मान लेते हैं दोनों जगह हमने क्या रखा है, जीरो। अच्छा, आपको नजर आ रहा है दोनों के दोनों हमारे एंड गेट हैं, और हम जानते हैं कि एंड गेट का अगर एक भी इनपुट जीरो हो तो रिजल्ट हमेशा जीरो होता है। तो यहाँ पर जीरो रखने में कोई संकोच हम नहीं करेंगे, और पहले रो में Qn का वैल्यू मान के चल रहे हैं जीरो। तो एक बार इसको कैलकुलेट करके देखते हैं, तो आप देखिएगा जीरो, और ये तो पक्का जीरो ही होने वाला है। तो जीरो और जीरो को और करेंगे तो मिलेगा जीरो, और उसको रिवर्स करेंगे तो आपको मिलेगा वन, और इस वन को ऊपर लेके जाइएगा तो वन और जीरो को और करेंगे तो मिलेगा वन, और दोबारा उसका रिवर्स करेंगे तो मिलेगा हमको दोबारा जीरो। तो जीरो अगर हमने रखा तो दोबारा हमको जीरो ही मिल रहा है, चाहे तो एक इटरेशन और चला लें। यहां से मिला जीरो फिर, तो देखिएगा ये तो पक्का ही जीरो रहने वाला है, बिकॉज जे का वैल्यू जीरो है। तो जीरो और जीरो का और, फिर जीरो, जीरो का उल्टा आपको क्या मिलने वाला है वन, और वन और जीरो का और वन और उल्टा क्या मिलने वाला है जीरो। तब देखिए कोई चेंज नहीं आया, ये एसआर में भी ऐसे ही काम करता था, जेके में भी ऐसे ही काम कर रहा है। तो जीरो रखें तो हमको दोबारा क्या मिल रहा है जीरो। तो मैं एक बार डिफरेंट वैल्यू पे ट्राई करता हूं, तो मान लीजिए इस बार कोशिश करके देखते हैं वन पे क्या बिहेवियर होगा। तो देखिए यहां से आया वन, अब जे और के की वैल्यू तो अभी भी जीरो है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो वन और जीरो का और क्या होगा वन, फिर उसको इन्वर्ट करेंगे मिलेगा जीरो, और देखिएगा जीरो और जीरो का और होगा जीरो, उसका रिवर्स करेंगे तो फिर हमको क्या मिलने वाला है वन। तो मेरे ख्याल से उसको दोबारा चलाने की जरूरत नहीं है। तो आप देखिए J और K, जब दोनों पिन हमारे जीरो हैं और
क्यू एन पे 0 या 1 रखते हैं तो फिर दोबारा हमको 0 और 1 ही मिलता है। इसका मतलब इसकी फंक्शनैलिटी बिल्कुल आर एस फ्लिप फ्लॉप के जैसे भी चल रहे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है। एंड टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं आपको एक बात समझा सकता हूँ क्या। देखिए याद करिएगा, जे है एनालॉगस सेट के और के है एनालॉगस रीसेट के। तो जब के 1 होगा तो आप चेक करके देख सकते हैं सारी मेहनत हमने एस आर फ्लिप फ्लॉप में की हुई है तो भी आपको 0 ही मिलेगा। जब सेट 1 होगा तो आपको 1 ही मिलेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। एक प्रॉब्लम थी एसआर फ्लिप फ्लॉप में, वो क्या, जब दोनों पिन हाई होते थे तो प्रॉब्लम हो जाती थी, इनवैलिड आउटपुट आपको मिलता था। बट इस बार एक्चुअली ऐसा नहीं होगा, उसको क्रॉस चेक करते हैं कैसे। तो देखिएगा आखिरी वाले केस में जे और के दोनों वैल्यू को हमने मान लिया 1, ठीक है, और फर्स्ट केस में हम मान सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है 0। अब देखते हैं देखिए कैसे बिहेव करेगा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 0 नीचे से, ठीक है, और मान लीजिए कि अगर पहले इसको कंप्यूट करें तो यहाँ से आया 0। अब इसमें देखिएगा क्लॉक हमेशा 1 है, जे की वैल्यू 1 मान सकते हैं। अब ये वैल्यू फिलहाल हमारे पास नहीं है, बट देखिए फर्स्ट इटरेशन में ऐसा मान सकता हूँ बिकॉज क्यू एन का वैल्यू मैं 0 मान रहा हूँ, तो उसी साइकिल में क्यू एन कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू 1 हो सकता है बिकॉज ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के। तो अगर उधर से आया 0 तो इधर से यहाँ गया होगा 1, और ये तीनों वैल्यू 1 हो गए तो यहाँ से रिजल्ट भी क्या निकलेगा 1। तो 0 और 1 का आप और करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1, और 1 का रिवर्स करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है 0। आगे इसको ट्राई करते हैं फिर देखिएगा। अब यहां से मिला 0 और यहां से क्या आया हुआ है, तो हमने क्योंकि क्यू एन को माना है 0 तो यहां से 0 गया होगा और एंड गेट का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 0। तो यहां से दोनों 0 गया, 0 और 0 का और करेंगे तो मिलेगा 0, रिवर्स करेंगे तो इस बार क्या मिलेगा 1, और आप देख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री भी चल रहा है। तो आप इसको जितनी बार भी ट्राई करेंगे ना आपको यही रिजल्ट मिलने वाला है, वो क्या, आपको 0 पे मिलने लगेगा 1 और 1 पे मिलने लगेगा 0, और ये हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे। तो इसका मतलब सिस्टम इनवैलिड नहीं है, या फिर आप बोल सकते हैं फ्लिप फ्लॉप रनिंग स्टेट में नहीं गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप देखिए मैं बोल सकता हूँ शॉर्ट में नॉट बिकम्स व्हाट क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। तो जेके फ्लिप फ्लॉप एक प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देता है आर एस फ्लिप फ्लॉप की, वो क्या, जब दोनों पिन हाई होंगे तो बजाय इसके कि हम इनवैलिड स्टेट में चले जाए, जेके फ्लिप फ्लॉप क्या करता है कॉम्प्लीमेंट देने लगता है। तो आप 0 रखेंगे तो आपको मिलेगा 1 और 1 रखेंगे तो मिलेगा 0। तो आई होप एक एक वैल्यू रखकर हमने वैल्यू कंप्यूट की है, इंप्लीमेंटेशन वाइज आपको समझ आया है। तो नाउ दैट इज अवर इंप्लीमेंटेशन, नाउ दैट इज अवर ट्रुथ टेबल। अच्छा, बेस्ड ऑन विच अगर इसी का थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिखें तो दोबारा आप जानते हैं कि सेट और रीसेट नाम मैं बदल सकता हूं अभी। तो नाउ सेट मींस नथिंग बट जे एंड रीसेट मींस के 0 0 0 1 1 0 1 1। तो अभी देखिएगा अगेन पहला सारा बिहेवियर सेम, तो आपको क्यू एन मिलेगा, रीसेट यानी कि के पे आपको 0 मिलेगा, यहाँ पर 1, और यहाँ बजाय इनवैलिड के आपको क्यू एन कॉम्प्लीमेंट मिलने लगेगा, जो कि इम्प्रूवमेंट हमने किया है। इसको हम बोल सकते हैं फंक्शन टेबल। आगे इम्प्रूव करते हैं, अगर अब इसको इम्प्लीमेंट करना है तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमको चाहिए। तो के में आपका स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है, अब ये देख के आप जरा मुझे बताएं कहाँ कहाँ पे 1 मिला हमको। तो इसी 1 पे एंड देन 4 5 एंड 6, तो इसी 1 4 5 एंड 6, चार जगह हमको 1 मिला है। पेयरिंग करना आप जानते हैं के मैप में, तो एक डबल पेयर हमको यहां मिल सकता है और एक डबल पेयर यहां मिल सकता है। यहां अगर देखें तो कॉलम में कॉमन है जे, और कौन सी रो में है क्यू एन बार, बोल सकता हूं जे क्यू एन बार, और नीचे अगर गौर करेंगे तो कॉलम में कॉमन है के बार और रो है हमारा क्यू एन, तो दैट इज के बार एंड क्यू एन। नाउ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो बाद में काउंटर्स में बहुत बार इस्तेमाल होगी। तो जे के फ्लिप फ्लॉप के अंदर अगर क्यू एन की नई वैल्यू आपको चाहिए तो इट इज सिंपली जे क्यू एन बार प्लस के बार क्यू एन। अच्छा, नेक्स्ट अगर बात करें तो नाउ दैट इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। मेरे ख्याल से इसको इंप्लीमेंट करना बहुत आसान है, तो दोबारा एक बार देख सकते हैं क्या क्या आपको चाहिए। तो मान लीजिए दोनों का बाद में किया होगा और, तो ये एक और गेट का रिस्पांस है और यहाँ से आपको मिलेगा क्यू एन प्लस 1, और दो एंड गेट हमको चाहिए तो दो एंड गेट हम लगा लेते हैं। पहले एंड गेट में मान लीजिए इनपुट अगर हमने दिया जे तो हमको क्यू एन पहले जो वैल्यू रही होगी उसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो ये यहाँ लगा लेते हैं, और दूसरे केस में अगर हम लगा रहे हैं के तो हमको उसका इन्वर्टेड वैल्यू चाहिए के का, और उसको डायरेक्ट हम अटैच कर सकते हैं के से, और इन दोनों का हमको क्या करना है,
और, तो आप समझ सकते हैं ये एक रिजल्टेंट इम्प्लीमेंटेशन है, ऑल्दो इसमें इतना कुछ बहुत बड़ा काम नहीं है। तो जो भी क्वेश्चन हमारे पास आई उसको हमने इस डायग्राम के थ्रू इम्प्लीमेंट किया। तो नाउ इट इज़ नथिंग बट जे क्यू एन बार, इट इज़ नथिंग बट के बार, एंड यहाँ से आपको मिला क्यू एन जो पुरानी वैल्यू थी। ऑल्दो समझिएगा ये इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं पूछेगा आपसे, जस्ट बेसिक बात है, बट हाँ ट्रुथ टेबल इंपॉर्टेंट है, इवन फंक्शनल टेबल ट्रुथ टेबल एक ही बात है, एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज इम्पॉर्टेंट। अगेन आगे डिस्कशन कंटिन्यू करें तो एक और हमने काम कंप्यूट किया था, एक्साइटेशन टेबल। तो जैसा हमने समझा था ट्रुथ टेबल आपको बताता है कि इनपुट पे आउटपुट का रिस्पांस क्या होगा, बट डिजाइनिंग में हमें पहले से पता होता कि हमको क्या बनाना है। तो उसको एक्वायर करने के लिए रिवर्स करते हैं, मैं इसको रब कर देता हूँ, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो दोबारा अगर हम इसको रिवर्स फैशन में स्टडी करें एक्साइटेशन टेबल के लिए, तो मान सकता हूँ नाउ Qn प्लस वन, और देखते हैं कि इस रेस्पॉन्स के जो भी कॉम्बिनेशंस होंगे वो फाइंड करने के लिए हम JK को कैसे एक्साइट करें। तो देखिए ये आपको क्या बता रहा है, अगर Q का वैल्यू है जीरो और अगली साइकिल में भी आपको जीरो ही चाहिए तो JK को कैसे एक्साइट करें। तो गौर करते हैं, देखते हैं जीरो जीरो कहाँ मिला, तो फर्स्ट रो में मिला आपको जीरो जीरो और थर्ड रो में मिला, और देखेंगे तो J का वैल्यू तो दोनों में जीरो है बट K का वैल्यू एक बार जीरो एक बार वन, यानी कि K के वैल्यू से हमको फर्क नहीं पड़ता। तो मान सकते हैं J जीरो एंड K इज डोंट केयर। अगेन आगे देखते हैं जीरो वन पे, तो जीरो वन जीरो वन कहाँ मिल रहा है हमको, तो देखिए एक बार यहाँ और एक बार फोर्थ और सिक्स रो में आपको मिला, और दोनों ही केस में J का वैल्यू वन है और K का वैल्यू दोबारा चेंज हो रहा है, तो नाउ दैट इज वन एंड डोंट केयर। और एक शॉर्टकट आपको सिखाया था कि एक्साइटेशन टेबल में हमेशा आप रिफ्लेक्ट कर सकते हो बिल्कुल सेम वैल्यू, तो अगला वैल्यू आपको मिलेगा D1 और फिर आपको मिलने वाला D0, आप चाहे तो उसको चेक करिएगा। तो इसको हम बोल सकते हैं एक्साइटेशन टेबल। अभी बहुत जल्दी से प्रैक्टिकली समझेंगे कि नेक्स्ट कुछ वीडियोज़ के बाद इसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी काउंटर से इम्प्लीमेंट हमको करना होगा या फिर कन्वर्जन पूछते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में दैट हाउ टू कन्वर्ट वन फ्लिप फ्लॉप इन टू अनदर फ्लिप फ्लॉप, तो वहाँ पर भी हमेशा इस्तेमाल करनी पड़ेगी एक्साइटेशन टेबल। तो आई होप उसको आप समझ पाओगे। एक लास्ट छोटा सा डिस्कशन और, बिकॉज जेके कभी रनिंग स्टेट में नहीं जा सकता तो इसको एक और तरीके से हम स्टडी कर सकते हैं, वो कैसे, तो देखिएगा ट्रुथ टेबल आपके पास है और थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन या ऑटोमेटा में हम पढ़ते हैं कि अगर ट्रुथ टेबल आपके पास है तो आप उसको स्टेट डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्टेट डायग्राम आपके पास है तो ट्रुथ टेबल में। तो कुछ बुक्स में कभी कभी फ्लिप फ्लॉप का बिहेवियर इंस्टेड ऑफ ट्रुथ टेबल स्टेट डायग्राम फॉर्मेट में लिखा होगा, तो मैं एक बस मैथड डिस्कस करता हूँ सो दैट हम कन्फ्यूज ना हो। तो देखिए दो ही स्टेट हो सकती है क्यू की वैल्यू की, या तो हमारे पास होगा जीरो और या हमारे पास होगा वन। तो ध्यान रखिएगा वैसे तो टीओसी के अंदर जब डीएफए में आप ट्रांजिशंस लिखते हैं सिंपल तो एक बार में एक ही सिंबल स्कैन कर सकते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल पिन हमारे दो हैं तो मैं दो वैल्यूज को स्कैन करूंगा। तो देखिएगा सपोज करिए अगर हम हैं जीरो पर या अगर हम हैं वन पर, तो जब हम जीरो जीरो देते हैं तो जीरो जीरो ही मिलता है और वन वन ही मिलता है। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, अगर मैं जीरो स्टेट पे हूँ और जे और के की वैल्यू है जीरो जीरो तो नेक्स्ट स्टेट भी क्या मिलेगी जीरो। सिमिलरली अगर मैं वन पे हूं और वैल्यू है जेके की जीरो जीरो तो मुझे पक्का दोबारा वन ही मिलने वाला है। अच्छा दूसरा लॉजिक हमने समझा है कि अगर जे की वैल्यू जीरो और के की वैल्यू वन हो तो रिजल्ट हमेशा आपको क्या मिलता है जीरो। तो ऐसा कर सकते हैं, तो चाहे तो इसी में एक और ट्रांजिशन लगा लेते हैं, इसके अलावा दूसरा हमको क्या मिला जीरो वन, लेकिन अगर वन पे आपको मिला जीरो वन तो भी हम दोबारा जीरो पाने वाले हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा जे और के ये मैं वैल्यूज देख रहा हूँ और उन वैल्यूज पे ये जो वैल्यू है क्यू की वैल्यू है जीरो और वन। अब देखिए रिवर्स कर देते हैं, तो जे की वैल्यू अगर वन और के की वैल्यू जीरो होगी तो हमेशा वन मिलेगा आपको। तो यहाँ से पहुँच जाएंगे आप यहाँ वन जीरो पे, और वन जीरो अगर आप वन को देंगे तो सेल्फ लूप करेगा। और आखिरी बात वन वन आप पहले से जानते हैं स्टेट चेंज होगा, तो अगर आप वन को देंगे वन वन तो वो जीरो पे आपको पहुंचा देगा और जीरो को देंगे वन वन तो वो आपको दोबारा वन पे पहुंचा देगा। तो इसको बोलते हैं स्टेट डायग्राम, सिंपल सा लॉजिक है, आप इसको देख के ये बना सकते हैं, इसको देख के ये बना सकते हैं। तो आई होप जेके की सारी बेसिक फंक्शनैलिटी हमने डिस्कस की, बात स्टार्ट की इम्प्लीमेंटेशन से, आरएस की प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया, उसके बाद जेके का हमने ट्रुथ टेबल समझा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली, फंक्शनल टेबल निकाली, उसके बाद हमने उसको इम्प्लीमेंट किया है, एक्साइटेशन टेबल डिस्कस की और लास्ट में स्टेट डायग्राम डिस्कस किया। ठीक, अभी समझेंगे कि जेके थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लॉजिक है और इतनी सारी फंक्शनलिटीज आपको दे रहा है, तो जेके की वैल्यूज में या जेके के अंदर ही हम कुछ दो बेसिक चेंज करते हैं और इससे दो नए फ्लिप
फ्लिप-फ्लॉप हमको मिलते हैं, टी फ्लिप-फ्लॉप एंड डी फ्लिप-फ्लॉप। तो आने वाली दो वीडियोस में पहले टी और डी फ्लिप-फ्लॉप्स की बात करेंगे और चारों फ्लिप-फ्लॉप बेसिक समझने के बाद फिर उसमें आगे डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। धन्यवाद।